हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो MPS 001 को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आप सभी के लिए प्रीवियस 5 जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपके इग्नू के हैं उसको डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट का नेम है आप सभी का MPS 004। नाउ यू कैन सी यहाँ पर आप सभी के सामने जून 2022, यहाँ पर आप देख सकते हो दिसंबर 2021 और इसके बाद में यहाँ पर देखोगे जून 2021 और यहाँ पर आप देखोगे दिसंबर 2020 और इसके बाद आप देखोगे जून 2020। तो 5 प्रीवियस पेपर हैं जो इग्नू के द्वारा MPS 004 जो सब्जेक्ट का नेम है आप सभी का तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और प्रवृत्तियां इसको पढ़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्या कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए बनते हैं और क्या कुछ आपके पेपर में आगे पूछा जा सकता है। तो हम बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करेंगे, हम जून 2020 से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को और वैसे तो हम इस पेपर के बारे में बात कर चुके हैं जून 2022 तक की। तो अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है, अगर वीडियो लॉन्ग होती है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अगर वीडियो ठीक ठाक रहती है, आपका समय कम खर्च होता है तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो नाउ यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शन है, 5 क्वेश्चन होंगे, हर अनुभाग से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा, 2 क्वेश्चन करने होंगे, 500 शब्दों में आंसर लिखना है, सभी क्वेश्चन के नंबर जो है वो सेम है। फर्स्ट ईयर में आप सभी को कोई भी या सेकेंड ईयर में कोई भी आपको एक्स्ट्रा शीट जो है वो इग्नू की ओर से आपको नहीं मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का नाम है तुलनात्मक राजनीति और इस पे ही बनेगा। सबसे पहले आपको ये बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो आखिर है क्या, क्योंकि आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ तुलनात्मक राजनीति क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन पक्का बनना ही बनना है, ये आप निश्चित रूप से उसको तैयार करके लाइए। तुलनात्मक राजनीति उस राजनीति को कहते हैं जिसमें हम एक ही समय में हम दो अलग अलग देशों की जो शासन व्यवस्था उन सभी की हम तुलना करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर है, कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर नहीं है और कौन सी शासन व्यवस्था क्यों बेहतर है, इसके बारे में भी हम इस चीज के अंदर हम पढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और इसके उद्भव के क्या कारण है, तो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमने 1950 के बाद में बहुत से देश ऐसे देखे जो इमर्ज हुए और इन्होंने ज्यादातर देशों में अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र लाने की सोची। तो एज अ मेन सब्जेक्ट या मेन कंसर्न ये 1950 के बाद बना। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति इससे पहले भी थी, जैसे अरस्तु प्लेटो के टाइम पे थी, इन्होंने अपने समय के कई देशों के संविधानों को पढ़ रखा था। तो तुलनात्मक राजनीति जब भी थी, यहाँ पर शासनों की तुलना इसलिए भी की जाती है ताकि ये पता लगा जा सके कि उनकी शासन व्यवस्था हमारी शासन व्यवस्था से किस प्रकार बेहतर है, क्यों वो हमसे आगे हैं, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम उनसे पीछे हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए या कैसे निर्णय अगर हम लेंगे तो हमारे देश में भी कुछ बेटर हो सकता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें तुलनात्मक राजनीति को पढ़ना पड़ता है। और इसके उद्भव जो है प्राचीन काल में भी थे, लेकिन एज अ कंसर्निंग सब्जेक्ट ये अब एक बंदा बन चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति आपके प्रणालीगत दृष्टिकोण की उत्पत्ति और नीति की व्याख्या करनी है। आपको प्रणालीगत दृष्टिकोण कौन सी होती है, सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, प्रणालीगत दृष्टिकोण वह होता है जिसके तहत हम ये देखते हैं, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि एक खास व्यवस्था जो हमारे समाज को आज जैसे संविधान है, जैसे हमारे देश में सरकार है, जैसे हमारे देश के अंदर विभिन्न अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है और वो किस प्रकार अपना नीति निर्धारण करती है, इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है इसको अगले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है और फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि मार्क्सवादी सिद्धांत, इसमें बात किसकी हो रही है, मार्क्सवादी सिद्धांत के संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत होते हैं, राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी सिद्धांत हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो जहाँ पर दो प्रकार की लोग होते हैं वहाँ पर मार्क्सवादी राज्य का उदय होता है। लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, तो वहाँ पर मार्क्सवादी व्यवस्था आती है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा होगा जो कि बुजुर्गवा वर्ग होगा और एक ऐसा वर्ग होगा जो कि कमजोर वर्ग होगा। तो बुजुर्गवा वर्ग के द्वारा कमजोर वर्ग का क्या किया जाता है, दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है, कमजोर वर्ग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता।
इस वजह से हम देखते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत उत्पन्न होता है। मार्क्सवादी सिद्धांत के लिए हम ये देखते हैं कि भाई पूंजीवाद, पूंजीवादी, इसके अलावा जो है सरकारी या अन्य औपचारिक संस्थाएं, अन्य औपचारिक, अन्य औपचारिक संस्थाएं, ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं राज्य की उत्पत्ति में कहीं ना कहीं अपनी मेन भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी आप देखना चाहो तो न्यायालय है, न्यायालय है, पुलिस है, ये दक्षिणपंथी पद है, पुलिस है, इन सब पर हम देखते हैं अमीर लोगों का ही कब्जा रहता है। गरीब व्यक्ति ना तो न्यायालय की फीस उठा पाते हैं, ना ही न्यायालय के अंदर कभी न्यायाधीश बन पाते हैं, तो कहीं एक आधा एक्सेप्शनल केस होता है तो होता है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्रियों का कहना है कि राज्य की जितनी भी संस्थाएं हैं ये इसलिए बनाई गई है ताकि अमीर लोग इनके जरिए समाज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि काफी साल पहले हमने इसकी वीडियो भी बना रखी है मार्क्सवादी सिद्धांत की, तो अगर आप लोग सर्च करोगे राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, आप सभी प्ले लिस्ट को भी जरूर चेकआउट करिए। नागरिक समाज क्या होता है? नागरिक समाज जो है वो राजनीतिक दल से अलग बनता है। जब नॉन प्रॉफिटली कोई एनजीओ या फिर कोई ऐसी संस्था जो जनता के हित के लिए कार्य करती है और निकलकर सामने आती है तो ये नागरिक समाज का हिस्सा बनती है। हम इस तरह देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका बहुत मूल्य है। कई बारी सत्ता आसीन जो लोग होते हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं या फिर जनता की तरफ ध्यान नहीं देते, और इन सभी रीजंस के कारण, इन सभी व्यवस्थाओं के कारण हम यहाँ पर देखते हैं, हम इन इन सभी व्यवस्थाओं के कारण देखते हैं कि लोकतंत्र में भी नागरिक समाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के लिए अभी रिसेंटली अपलोड किया गया है, बहुराष्ट्रीय निगमों की विकासशील देशों पर, एक तो उन देशों पर और साथ साथ जिन देशों की कंपनी विकसित देशों की उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें आलोचनात्मक भी हमने आपका वर्णन किया है। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें हमने बताया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनी होती है जिन्हें हम MNCs कहते हैं, और ये विदेशों से कई बारी अत्यधिक लाभ कमाने के लिए दूसरे देशों में जाती है, उस देशों में अपना बिजनेस व्यापार जो भी है वो करती है और धीरे धीरे वहाँ की मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। और विकासशील देशों पर इसका ये प्रभाव कई तरीके का पड़ता है, एक सकारात्मक प्रभाव है और एक नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव में ये है कि नए लोगों को रोजगार मिलता है, नकारात्मक प्रभाव ये है कि जो पुराने लोग वहाँ पर, जो व्यवस्थाएं पहले थी, पुराने देसी उद्योग थे या कुछ और चीजें थी, तो धीरे धीरे उस पूरे मार्केट पे अपना कंट्रोल करती जा रही है, देश की संस्कृति खत्म करती जा रही है। साथ ही साथ में अब MNC आती है तो बड़ी बड़ी मशीनों से काम होता है, बड़ी बड़ी मशीनों के कारण कई रोजगार संबंधित समस्याएं भी निकल कर सामने आ जाती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से, बहुल संस्कृति की नीति, यानी इसमें बहुल संस्कृति की नीति को एक साधन के रूप में समझाइए और समझाती अल्पसंख्यकों की शिकायत का जो है महत्वता दीजिए। यानी जो निर्जातीय लोग हैं, जो क्या है अल्पसंख्यक है, कम संख्या में, उन लोगों किस प्रकार कंप्लेन करते हैं, जो बड़ी संस्कृति के लोग हैं किस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, छोटी संस्कृतियों का दमन कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो छोटी जातियों के ऊपर थोप रहे हैं और किस प्रकार के अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार नीतियों का अनुसरण करवा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, बहुल संस्कृतिवाद कहलाता है। और इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है, जनजातीय आंदोलन के रूप में उनकी जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने की विभिन्न रणनीति, जैसे कोई आंदोलन था वो असम में शुरू हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर जो मिजोरम है या फिर आप सभी का त्रिपुरा है, उन सभी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे ये आंदोलन क्या होने लगा, स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा। तो जनजातीय आंदोलन जो है वो एक जगह ही नहीं बल्कि एक से अधिक जगहों पर एक समय पर अपनी भूमिका निभाते हैं, आप सभी को ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही की विशेषता को बताइए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसको प्लीज देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में मैक्सिमम टाइम पे पूछा गया है। मैक्स वेबर की नौकरशाही की आलोचना, नौकरशाही की क्या कमियां हैं, नौकरशाही की क्या विशेषताएं हैं, है ना, तो इसमें आपको पद सोपान वगैरह सब कुछ आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई देशों के विशेष संदर्भ में बहुल व्यवस्था को एक्सप्लेन करना है। बहुल व्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो ताकतवर हैं और वो ताकतवर लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना एशियाई देशों में, हमने ज्यादातर ये देखा है एशियाई देशों में जो ताकतवर लोग हैं धीरे धीरे ना केवल आर्थिक व्यवस्था बल्कि राजनीतिक व्यवस्था पे भी
वो अपना पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, और पूरा कंट्रोल लेने के कारण क्या है कि वो सभी के सभी उन पर अपने हिसाब की जो नीतियाँ हैं उसको लागू करने की कोशिश करती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फाइनली आप सभी के लिए शॉर्ट नोट से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आप सभी को, ये सभी क्वेश्चन जो है आप सभी को ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से इन्हें दो पर आपको प्रत्येक पे निबंध लिखना है। एक तो है पक्ष जुटाव, जब कई गुट आपस में मिलकर पक्ष क्या करते हैं, जुटाने की कोशिश करते हैं। अगला है सकल घरेलू उत्पादन, मानव विकास और निर्भरता। तो इसमें से आप क्या क्वेश्चन कर सकते हो, आप मैक्स वेबर वाला इजीली कर सकते हो। आप इसके अलावा आप ये क्वेश्चन कर सकते हो संजातीय आंदोलन कैसे विस्थापित हो जा रहे हैं, और इसके बाद में तीन क्वेश्चन आप फर्स्ट यूनिट से कर सकते हो, एक ये वाला और एक ऊपर के लिए आए कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, ये पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये पेपर हमने डिस्कस कर लिया, अब अगले पेपर में क्या डिस्कस करना है हम इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये आए, राजनीतिक शास्त्र में तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट है तुलनात्मक शासन। जब आप तुलनात्मक शासन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो काफी ऐसा भी हो सकता है कि पिछड़ गया है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा ही कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हम ये देखते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। तुलनात्मक अध्ययन से हमें ये पता चलता रहता है कि सामने वाली जो कंट्री है, सामने वाला जो देश है, उसकी तुलना में हम किस प्रकार की अपनी भूमिका जो है उसको निभा रहे हैं, हम कर भी कुछ पा रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे। ये क्वेश्चन भी आप सभी से पूछा जाता है जो है ना, आमंड के दृष्टिकोण के संदर्भ में संरचनात्मक कार्यात्मक के मुख्य आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें आपको मुख्य आलोचनात्मक इसका क्या करना है, परीक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक राज्य का विश्लेषण कीजिए। आधुनिक राज्य क्या है इसके बारे में बताना है। तो गांधी जी की जो है स्वराज की अवधारणा है, ग्रामीण गणराज्यों का संघ है, जनता के पास में अधिकारों से पहले कर्तव्य का बोध होना चाहिए, और इन्होंने अपने जो स्वप्न का स्वराज बताया है उस स्वराज के अंदर इन्होंने बताया है कि जितने भी संसाधन है उन संसाधनों का वर्गीकरण अधिक से अधिक लोगों में जाएगा, सत्ता पे या पूरी की पूरी शक्ति है किसी कुछ एक लोगों के हाथ में ही सीमित ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज आप सभी के लिए पूछा गया है ग्रामसी के नागरिक समाज पर विचार। तो ये टॉपिक भी आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी अपलोडेड है, दो क्वेश्चन आप यहाँ से कर चुके हैं, और इसके बाद में आप यहाँ से इजिली एक ये आलमंड वाला भी पूछा जाता है, आलमंड वाला, और इसके बाद में MNC उत्साही और MNC जो है संयमवादी के बीच में वार्ता और बहस के बारे में बताइए, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी के बारे में आपको। अगला क्या है संघवाद क्या है, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। संघवाद को इंग्लिश में हम फेडरेशन कहते हैं। फेडरेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक स्तर पर शासन। दो या दो से अधिक स्तर पर शासन का मतलब ये है कि कई बार कई देश मिलकर किसी एक को केंद्र बनाते हैं और उसके द्वारा जो नियम बनाया जाता है उस सभी को मानना पड़ता है, वो क्या कहलाता है, वो संघवाद का एकल कोण आएगा। और दूसरा संघवाद के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों का तो इंक्लूडेंस होएगा ही होएगा, लेकिन उसके अंदर क्या होता है एक देश जो है वो अपने कई टुकड़े कर लेता है, और उसके बाद इन पर जो शासन व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, संघवाद की। ये एकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो देश की आपस में इंटीग्रेट करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय समरूपता और राष्ट्र के निर्माण में एकता श्वेतार्थ है, यानी समुदाय की जो समरूपता है, समुदाय जो भी हमारे बने हुए हैं उन सब में एक जैसा अपन बना रहे, इसके लिए क्या है हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नौकरशाही की भूमिका, देखो पिछले क्वेश्चन में मैक्स वेबर की पूछी थी, और इसमें मैक्स वेबर ना पूछ के नौकरशाही, तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है, आपको कुछ एक चीज़ें अलग करनी होती है, थोड़ी सी डिफरेंट करनी होती है, बाकी सेम क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल व्यवस्था के प्रतिरूप की विश्लेषण कीजिए। आप सभी को पता है दल व्यवस्था 1947 से लेकर 1967 फर्स्ट फेज है, 1967 से लेकर 1977 ये एक फेज बन जाता है, और इसके बाद 1989 इस टाइम पे एक फेज बन जाता है, ये गठबंधन का दौर भी बन जाता है। तो दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था कौन सी बेहतर होगी इन सब सिचुएशन के अंदर, ये आपको खुद ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है। सतत विकास आसान है, दो पे आपको लिखना है, आप चाहो तो लूट प्रणाली कर सकते हो, मानवाधिकार कर सकते हो। इस सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए ऑलरेडी हमने अपलोड करवा दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अपने लिस्ट को जरूर चेकआउट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डेविड ईस्टन का सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत जो है क्या कहते हैं आलमंड जो थे उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तुलनात्मक राजनीति में आर्थिक दृष्टिकोण से क्यों चर्चित रहता है, आर्थिक दृष्टिकोण से चर्चित इसलिए रहता है हम उन देशों की ज्यादातर हिस्ट्री पॉलिटी या ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करते हैं जो देश काफी विकसित है या फिर जो भविष्य में एक महाशक्ति बन सकते हैं या ताकतवर देश के रूप में उभर सकते हैं। तो इसके बारे में आप सभी को इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है, राज्य की उत्पत्ति पे मार्क्सवादी सिद्धांत के आलोचनात्मक, मैंने बताया था ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आपने इससे पहले 2 साल के पेपर में भी देखा, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो कौन से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आएंगे कौन से नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि नहीं, 2 पर टिप्पणी कीजिए, तो संक्षिप्त में लिखना है ना, राम राज्य पर परिपेक्ष्य, नागरिक समाज पर हेगल की संकल्पना और वैश्वीकरण, इन सभी पे आप सभी को क्या है एक्सप्लेनेशन देने कि क्या है क्या नहीं। नागरिक समाज पर हेगल के विचार जब आप उसके पढ़ोगे ग्रामसी के, तो उनके एक स्टेप पीछे है और इनके एक स्टेप आगे। उपनिवेशवाद पर मार्क्स का विचार, उपनिवेशवाद का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप किसी एक ए देश में रहते हो और वहां से आप अपने देश को छोड़कर अपने किसी भी देश में शरण लेने, यहाँ से यहाँ पर बैठ कर आप क्या कर रहे हो, इस देश के लिए पावरफुल बन गए और कंट्रोल को ही चला रहे, पूरे देश के कंट्रोल को चला रहे, तो यहाँ पर हम देखते हैं उपनिवेशवाद और मार्क्सवाद को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन भी आप सभी के लिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेपर आप सभी के लिए दिसंबर 2021 का, इसमें भी कुछ वैसे जनरल से इंस्ट्रक्शंस दी गई है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति जो है इसका क्या अहम रोल है, इसके बारे में आप सभी से पढ़ना है। वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है राजनीतिक विज्ञान में, मैंने आपको बताया ये इस क्वेश्चन के बारे में, और इसके बाद में व्यवस्था दृष्टिकोण की उत्पत्ति और उपन्यास, व्यवस्था कोण की दृष्टि और उपन्यास। व्यवस्था कोण का मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसे लोग जो एक सिस्टमेटिकली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं उनके बारे में आप सभी को इसके अंदर पढ़ना है। सतत विकास जारी रखने के लिए निर्भरता का सिद्धांत एक व्याख्यात्मक तरीका है, निर्भरता का सिद्धांत कैसा है, एक व्याख्यात्मक तरीका है, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि राज्य की उत्पत्ति के लिए फांसीवादी कारणों का उपरेचन की, फांसीवादी आप सभी को पता है कि भाई राज्य की उत्पत्ति के लिए विकासवादी सिद्धांत को आपको एक्सप्लेन करना है। राज्य की उत्पत्ति में जो राजतंत्र था या जो मोनार्कल सिस्टम था या फिर हम कहें तानाशाही डिक्टेटरशिप थी, उसकी वजह से जनता अपना विकास नहीं कर पाते थे और अपनी प्रॉब्लम्स को जब बताते थे तो कई बार उनकी प्रॉब्लम्स को इतना लाइटली लिया जाता था, इस वजह से ये क्या है काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी विषय। इसके बाद में आप सभी को शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट नोट पर ग्रामसी के विचार यहाँ पर आगे, क्षेत्रीय आर्थिक नियंत्रण की नीति गांधी जी के राष्ट्रकुल पे विचार, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिक बात, आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे। संवाद में केंद्र विषय को संभालने में क्या क्या काम किए हैं इसके बारे में बताना है। वैश्वीकरण के कारण जो नई जातियां हैं उन जातियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि उनका रोजगार छिन गया और उनके साथ साथ जो है वैश्वीकरण के रोजगार छिन गए, तो जंगलों के जो उनके अधिकार थे वो खत्म हो गए, अपने पुश्तैनी उद्योग खत्म हो गए, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है उसके साथ यहाँ पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा गया है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था के रूप में परिचय कीजिए। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पर शासन हम उस हिसाब से करेंगे जहाँ पर अलग अलग तरह की सिचुएशन अलग अलग स्थानों पर बनी होगी और उसके अंदर हम संतुलन कायम करने का कोशिश करते हैं ना। वेबर के जो विचार हैंगे उस विचार को एक्सप्लेन करना है आप सभी को। सो गाइस यही थी आप सभी के लिए वीडियो, और नाउ यहाँ पर आप देखोगे ये वाली वीडियो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर दी है, तो हम आने वाली वीडियो को हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।